मटका किंग मर्डर केस में सजा का आखिरकार ऐलान हो गया है। पत्नी को और बेटे को उम्र कैद की सजा दी गई है। इस पूरे मामले में जो छह दोषी थे, सभी छह दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। 13 जून 2008 का यह मामला है जब यह हत्या की गई थी, और उसके बाद आखिरकार जब आज सजा का ऐलान हुआ है तो पत्नी और बेटे दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और साथ ही साथ बाकी छह दोषियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुरेश भगत, जो कि मटका कारोबार के किंग कहे जाते थे, 13 जून 2008 को उनकी हत्या कर दी गई थी। सुरेश की गाड़ी को ट्रक ने जबरदस्त टक्कर मारी थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे सुरेश, और उस गाड़ी में मौजूद सभी छह लोगों की मौत हो गई थी। जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो इसके तार उनके परिवार से ही जुड़े हुए पाए गए। बताया गया कि 45 लाख रुपए की सुपारी सुरेश भगत की हत्या के लिए दी गई थी, और मामला आगे रुका उनकी बेटी और पत्नी पर, जिनको दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है।